काम करते हैं थिएटर में, और मुझे मनोज से बहुत सीखने को मिला है. हमने बहुत मस्ती की, बहुत खेल फिल्म भी किए. एंड आई फील द प्राउडेस्ट, और मैं पेट्रनाइजिंग नहीं हो रहा हूँ. मैं छोटा हूँ तो छोटा है तो छोटा है, मैं छोटा हूँ तो तो मैं पेट्रनाइजिंग नहीं हूँ. मैं कह सकता हूँ ऐसा कि ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स एंड आई विश हिम ऑल द बेस्ट. एंड ही इज़ मोर अ फ्रेंड एंड वी ऑलवेज बीन लाइक दैट. सो गॉड ब्लेस हिम. थैंक यू वेरी मच. एंड इसकी तेरी जो पिछली वाली फिल्म थी ना, वो भी बहुत अच्छी थी. सुपर थी यार, अलीगढ़ सुपर. मैं फोन नहीं कर सका, मैं बिजी था. अच्छा, ये उससे भी अच्छी होगी. थैंक यू. और मुझे मनोज से बहुत सीखने को मिला. हमने बहुत मस्ती की, बहुत खेल फिल्म की. एंड आई फील द प्राउडेस्ट, और मैं पेट्रनाइजिंग नहीं हो रहा हूँ. मैं छोटा हूँ तो छोटा तो मैं पेट्रनाइजिंग नहीं हूँ. मैं कह सकता हूँ सर कि ही वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स एंड आई विश हिम ऑल द बेस्ट. एंड ही इज मोर अ फ्रेंड एंड वी ऑलवेज बीन लाइक दैट. सो गॉड ब्लेस हिम. थैंक यू वेरी मच. ट्रैफिक दिखाई दे रहा है. देखिए, अलीगढ़ एक फिल्म थी, उसके पहले वासेपुर स्पेशल 26 जी. तो कोशिश ये रहती है कि ऑडियंस को, दर्शक को हमेशा कुछ नया देने की, नई कहानी उसको देने की, नए किरदार देने की, नया अभिनय देने की, नए तरीके की का एक्सपीरियंस देने की कोशिश होती है. और यही इसी कोशिश को मद्देनज़र रखते हुए मैं मुंबई शहर आया था, क्यों मैंने अपना रास्ता ही चुना था एक्टिंग का. और इसीलिए मैंने 10 साल दिल्ली में रह करके सिर्फ एक्टिंग पे काम किया था. और आज भी जो है मैं लगातार सीखता रहता हूँ, ताकि मैं लोगों को नए से नई चीज़ें दे पाऊँ. और ये कोशिश जारी रहेगी मेरी. ट्रैफिक इसी तरह की एक कोशिश का नतीजा है कि एक अलग तरीके का एक कहानी, एक सच्ची घटना, एक ऐसी घटी जो हम अखबार तो पढ़ते हैं, लेकिन बहुत सारी घटनाओं को हम पढ़ करके हटा देते हैं. लेकिन इसी घटना को हम सामने लेके आते हैं, आपको फिल्म के ज़रिए आप तक पहुंचाते हैं. इसके ज़रिए न सिर्फ अवेयरनेस बढ़ता है, जागरूकता बढ़ती है कि एम्बुलेंस के अंदर क्या क्या चीज़ें हो रही होती हैं, बल्कि आपको पता चलता है कि हमारे आसपास इतनी कमाल कमाल की कहानियां घट रही हैं, कमाल की घटनाएं हो रही हैं, जिस पर कभी हमारा नज़र नहीं जाती, हमारे अखबार के पन्नों पर कभी हम दिमाग नहीं डालते, वो इतनी बड़ी कहानी के लायक है. तो ये सारे परिवार के देखने वाली फिल्म है, बच्चे से लेकर के बूढ़े तक की. और ये आपको देखने का मौका लगेगा कि एक जान के साथ में कितनी जिंदगियां जुड़ी होती हैं, अलग अलग जिंदगियां जुड़ी होती हैं.
नहीं, मैं ट्रू स्टोरी आ जाती है तो अच्छा लगता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर डायरेक्टर जो है ट्रू स्टोरी लेके आए. मैं हमेशा अच्छी कहानी की खोज कर रहा होता हूँ, चाहे वो ट्रू स्टोरी हो या फिर ओरिजिनल स्टोरी हो. वो कहानी अच्छी होनी चाहिए. एक नया किरदार, नई कहानी अगर आती है तो मुझे करने में बहुत मज़ा आता है, चैलेंज मिलता है. और इतने साल काम करने के बाद अगर चैलेंज नहीं मिले तो फिर काम करने का मन नहीं करता है. जी, कैरेक्टर का नाम जी 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 देखिए, ट्रैफिक कांस्टेबल गोडबोले का किरदार है. और मैं ऐसा किरदार जो कि अपनी एक गलती कर देता है, भूल कर देता है, और अपने डिपार्टमेंट के, समाज के, परिवार के नज़र में गिर जाता है. और वो बाहर सब्ज़ी जाके भी जब ख़रीदता है तो उसको जैसे लगता है कि सब लोग उसके ऊपर हंस रहे हैं, सब लोग उसको बहुत ही ख़राब नज़र से देख रहे हैं. तो उसके पास एक मौका लगता है कि किसी तरीके से इस जिल्लत से, इस बेइज्जती से बाहर आए. और उसको ये ड्यूटी दी जाती है, एक काम दिया जाता है. क्यों? और वो जानता है कि अगर ये काम उसने कर दिया तो वो हीरो हो जाएगा, और जितनी बेइज्जती उसने सही है सब लोग उसको भूल जाएंगे. तो क्या वो कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ये कहानी है. देखिए, मुझे एक फिल्म करने की ज़रूरत नहीं है किसी के बारे में नज़रिया रखने की या बदलने की. जब मैं आँख कान ना खोल करके मैं ज़िंदगी जीता हूँ और मैं लोगों से मिलता रहता हूँ, तो मैं बहुत सारे ट्रैफिक में अफसर जो है ना, ट्रैफिक डिपार्टमेंट में अफसर मेरे दोस्त हैं, तो उनके ज़रिए बहुत सारी जानकारी रहती है. मैं पढ़ता लिखता रहता हूँ, जानकारी लेता रहता हूँ. तो मुझे पता है कि एक ट्रैफिक कांस्टेबल की ज़िंदगी एक लोअर मिडिल क्लास से भी बदतर होती है. वो बहुत कम पैसे पे, पगार पे काम करता है. वो 18-18 घंटे की ड्यूटी करता है सड़क पे. वो धूप में, पोल्यूशन में काम करता है. वो, उसके भी सपने हैं अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाने के, लेकिन पढ़ा नहीं पाता है. उसकी भी इच्छा है अपनी पत्नी को सिनेमा हॉल लेके जाने की, लेकिन वो हर बार लेके नहीं जा सकता है. अपने परिवार के साथ भी उसकी इच्छा होती है समय बिताने की, लेकिन उसके पास वो समय नहीं मिल पाता है. तो इतनी बीमार हो जाते हैं ये लोग कितनी बार, बहुत पोल्यूशन और धूप में, बारिश में काम कर करके. कभी हम लोग इन सब चीज़ों के बारे में सोचते नहीं हैं, जानते हैं, लेकिन जब आप इनकी नज़र ज़िंदगी में घुस के देखेंगे तो बहुत ही तकलीफ़ में ये अपनी ड्यूटी देते हैं. नहीं, मैं ज़्यादा तो डायलॉग है नहीं, डायलॉग नहीं है. मराठी तो थोड़ी बहुत सीखी थी, अलीगढ़ के लिए सीखी थी. इसके लिए तो डायलॉग है ही नहीं, तो मुझे सीखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी. ज़्यादा चैलेंज ये था कि बिना कुछ बोले हुए आपको अपनी आँखों से, अपने चेहरे से चीज़ों को बयां करना, वो सबसे ज़्यादा चैलेंज था. जी 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 नहीं, अच्छा लगता है जब अपने साथ के जो अभिनेता मित्र अच्छी बातें करते हैं, आपको आपको इनक्रेज करते हैं, आपकी तारीफ़ करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है. जाहिर सी बात है कि ये लोग अपना काम जानते हैं, अच्छे एक्टर्स हैं, अच्छे एक्टर्स तारीफ़ करते हैं तो और भी अच्छा लगता है. अगर हम राजेश पिल्लई जी के बारे में ना बात करें तो बहुत बड़ी जी, क्योंकि आपने कंट्री लॉन्च के मौके पे भी आप बहुत ही खुश थे, और आपका हमेशा से ऐसा मानना है कि वो कहीं ना कहीं हमारे बीच में है, वो सारे काम कर रहे हैं सारी चीज़ों. जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से ये राजेश पिल्लई जी की आत्मा का आशीर्वाद है, उनका आशीर्वाद है कि आज सलमान खान जी जैसे बड़ी शख्सियत भी हमारी फिल्म के बारे में ट्वीट कर देते हैं, ऋषि कपूर जी ट्वीट कर देते हैं. जब मैं ट्रैफिक फिल्म का प्रमोशन कर रहा हूँ तो शाहरुख, जो कि मेरा दोस्त है बचपन का, ठीक ट्रैफिक प्रमोशन के दौरान आ जाता है, जिससे कि मीडिया उत्सुक हो जाता है. तो ये मेरे ख्याल से राजेश पिल्लई जी की आत्मा जो है कहीं ना कहीं हम सबको ब्लेस कर रही है, आशीर्वाद दे रही है. मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आपको तलाश रहती है एक अच्छी फिल्म की. आपको ये आपका सवाल रहता है कि हम अच्छी फिल्में क्यों नहीं बनाते, और जब अच्छी फिल्म आ रही है 6 मई को ट्रैफिक, तो आप उसे क्यों छोड़ेंगे, आप उसे क्यों जाने देंगे, आप उसको सब परिवार क्यों नहीं देखेंगे? तो जाइए 6 मई को ट्रैफिक देखने अपने पूरे परिवार के साथ. एक अच्छी फिल्म, एक अच्छी कहानी और अच्छे किरदारों से भरपूर. थैंक यू सर, विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू.